तो आज है हमारे पास क्लासिक 350 का डार्क स्टिल्थ ब्लैक कलर। दोनों वर्जन्स हैं, ये है न्यू वर्जन, ये है ओल्डर वर्जन। इसी के साथ वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम इन दोनों में एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं, देखते हैं क्या कुछ अपडेट हुआ है, क्या कुछ फीचर्स बढ़े हैं एंड क्या कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं। तो आपको भी अगर ये सारी डिटेल्स जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड बिफोर स्टार्टिंग, स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प चित्तौड़गढ़, द रॉयल एनफील्ड डीलरशिप टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये है क्लासिक 350 डार्क स्टिल्थ ब्लैक। दोनों वर्जन्स हैं, दिस इज़ न्यू वन, दिस इज़ ओल्डर वन। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड सबसे पहले जो सबसे बड़ा कंपैरिजन है वो है प्राइस का। तो पहले इसकी प्राइस थी ₹2,20,700 अप्रॉक्स एक्स शोरूम, एंड अब इसकी प्राइस हो चुकी है ₹2,25,000 एक्स शोरूम। तो प्राइस बढ़ी है लगभग ₹5,000, बट देखते हैं क्या कुछ फ़ीचर्स बढ़े हैं जिसकी वजह से ये प्राइस इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि इसमें आपको फ़ीचर्स तो काफ़ी सारे मिलने वाले हैं। एड ऑन फीचर्स हैं, न्यू अपडेट्स हैं और कॉस्मेटिक चेंजेस तो आपको दिख ही रहे होंगे। वैसे आप इसको पॉज कर सकते हैं, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड स्पॉट द डिफरेंस प्ले कर सकते हैं। तो ये थी इसकी बात। अब हम आ जाते हैं और वॉक अराउंड करते हैं, देखते हैं क्या कुछ डिफरेंसेस हैं। वैसे अपीयरेंस देखिए, आप बताइए किसका बढ़िया लग रहा है, पहले वाली का ज़्यादा बढ़िया था या अब ये नई वाली का बढ़िया है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो यहाँ पे अब आपको LED हेडलाइट मिलने वाली है एंड LED पायलट लैंप मिलने वाले हैं। इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। सो ये आपको काफ़ी अच्छा सेटअप मिलने वाला है। LED टर्न इंडिकेटर्स हैं, इनको भी ऑन कर देते हैं। सो ये देखिए कितने वाइब्रेंट लग रहे हैं। तो पहले आपको क्या सेटअप मिलता था, पहले आपको इसमें हेलोजन हेडलाइट मिलती थी, हेलोजन पायलट लैंप मिलते थे, इनको भी ऑन कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह के दिखते थे और टर्न इंडिकेटर्स भी इसमें आपको हेलोजन मिलते थे। तो ये सेटअप था पुराना वाला एंड ये है न्यू वन। तो अब आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस दिख रहा है लाइटिंग में। तो ये थी ओवरऑल बात। जो सबसे मेजर अपडेट हुआ है वो हुआ है लाइटिंग सेटअप में। अब आपको LED मिल रही है तो आपकी बैटरी को थोड़ा आराम मिलेगा। अब उसके अलावा ये सल्यूट हट चुका है। अब पहले यहाँ देखिए सल्यूट मिलता था क्रोम फिनिश में, अब यहाँ पे सल्यूट हट गया है, बट ये काफ़ी स्पोर्टियर लग रहा है दिखने में और ये ग्लॉसी फिनिश में आपको मिल रहा है। तो ये थी इसकी बात। बाकी यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, सिमिलर सब चीज़ें मिलती हैं, सेम सेटअप है। कमिंग टू द व्हील, तो एलॉय व्हील तो पहले भी मिलते थे, अभी भी मिल रहे हैं, क्या चेंज हुआ है उसकी बात करते हैं। तो देखिए इसमें भी कॉस्मेटिक अपडेट हुआ है। यहाँ पे अब आपको कोई रेड डिटेलिंग नहीं मिलने वाली है इस न्यू वाले में, और ये था पुराना वाला। तो ये दोनों व्हील आपके सामने हैं, ये था पहले वाला जिसमें आपको रेड डिटेलिंग मिलती थी, अब आपको बिल्कुल सिंपल ऑल ब्लैक यहाँ पे एलॉय व्हील मिलने वाले हैं। उसके अलावा सेम टायर साइज़ है, सेम ब्रेकिंग है, फ्रंट में डिस्क है, रियर में डिस्क है, डुअल चैनल ABS है, वही आपको पहले भी मिलता था। तो ये एक छोटी सी कॉस्मेटिक अपडेट थी, तो मैंने आपको बता दी है। डायमेंशंस में कोई डिफरेंस नहीं है, इंजन सिमिलर है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। तो ये है न्यू वन, इसमें देखिए साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह की है। यहाँ पे ये सब चीज़ें ब्लैक्ड आउट हो चुकी हैं, रॉयल एनफील्ड का लोगो ब्लैक्ड आउट हो चुका है, क्लासिक 350 की बैजिंग ये भी ब्लैक्ड आउट हो चुकी है, और ये जो मिल रहा है ना आपको ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में हो गया है। बाकी सब यहाँ पर ब्लैक मैट फिनिश में है, ये आपको बीच में अलग ही ग्लॉसी ब्लैक मिल रहा है। तो इसकी वजह से काफ़ी डिफरेंट अपीयरेंस मिल रहा है। पहले कैसा था सेटअप, पहले कुछ इस तरह का सेटअप था। पहले देखिए ये सब चीज़ें आपको सही से दिखती थी, रॉयल एनफील्ड सिल्वर फिनिश में था तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था दिखने में। क्लासिक 350 थोड़ी बहुत रेड डिटेलिंग के साथ यहाँ पर बैजिंग मिलती थी एंड ये आपको मैट फिनिश में मिलता था। तो पहले की साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह की मिलती थी क्लासिक 350 डार्क स्टिल्थ ब्लैक की। तो ये कॉस्मेटिक अपडेट्स हैं और अब ये बिल्कुल प्रॉपर स्टिल्थ ब्लैक हो चुकी है, मतलब इसमें अब आपको कोई दूसरा कलर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा ये टैंक पैड मिलते ही हैं। उसके अलावा एक और कॉस्मेटिक अपडेट है, वो भी टैंक पे मिलती है। यहाँ पे अब आपको ये टैंक बिल्कुल प्लेन मिलने वाला है एंड मैट फिनिश में है, इसमें कोई आपको कोई डिटेलिंग नहीं मिलती है। बट पहले आपको यहाँ पर टैंक पर ये रेड स्ट्रिप मिला करती थी, तो ये छोटी सी माइनर डिटेलिंग थी जो अच्छी लगती थी, बट उसको भी कंपनी ने हटा दिया है क्योंकि अब कंपनी का फोकस है प्योर ब्लैक के ऊपर। तो ये एक छोटा सा अपडेट है, ये भी कॉस्मेटिक अपडेट है। अब हम आ जाते हैं अनादर अपडेट जो हुआ है, वो हुआ है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड हैंडल बार पे। तो सबसे पहला अपडेट है वो हुआ है इस स्क्रीन के अंदर। यहाँ पर अब आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलने वाला है,
तो ये एक अपडेट है। उसके अलावा ट्रिपर नेविगेशन एज ए स्टैंडर्ड मिलने वाला है। तो डार्क वेरिएंट में पहले ट्रिपर नेविगेशन एज ए स्टैंडर्ड नहीं आता था एंड ये एक अपडेट हो चुकी है। उसके अलावा जो लीवर्स हैं हैंडल बार पे, ये आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिलने वाले हैं, तो ये तो काफ़ी प्रीमियम अपडेट दे दी है अब। एंड उसके अलावा सी टाइप यूएसबी चार्जिंग पोर्ट इसमें आपको मिल रहा है। तो ये टेक्निकल अपडेट्स हैं और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है सेटअप। पहले कैसा मिलता था वो देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे मतलब ऐसा कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं दिखेगा आपको स्टाइलिंग में, बट यहाँ पे ट्रिपल नेविगेशन एज ए स्टैंडर्ड नहीं था एंड यहाँ पे आपको पहले गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं मिलता था इसके अंदर, और लीवर्स भी सिंपल थे, कोई एडजस्टेबल लीवर्स नहीं थे। यूएसबी ए टाइप मिलता था पहले आपको। तो ये सब चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं एंड उसकी वजह से काफ़ी डिफरेंट लग रही है मोटरसाइकिल। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ज़्यादा अपडेट हुआ नहीं है। देखिए कितना बड़ा अपडेट दोनों मोटरसाइकिल्स में देखने को मिल रहा है। उसके अलावा हम आ जाते हैं पीछे की साइड, तो यहाँ पे भी देखिए ये रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिल रही है आपको और ये भी ब्लैक फिनिश में है। पीछे भी आपको LED टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं एंड पीछे वाले एलॉय पे भी अब कोई डिटेलिंग आपको नहीं मिलती है, प्लेन ब्लैक एलॉय मिलता है आपको। पहले क्या मिलता था पहले देख लेते हैं पीछे का सेटअप किस तरह का था। तो पहले यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड कुछ सिल्वर फिनिश में मिलता था, तो अच्छे से दिखता था, विजिबल होता था एंड पीछे वाले व्हील पे भी आपको ये डिटेलिंग मिल जाती थी, रेड डिटेलिंग। तो ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें थी उनको अब हटा के बिल्कुल ब्लैक कर दिया है रॉयल एनफील्ड ने, और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ये स्टिल्ट ब्लैक था और मुझे लगता है आगे भी यही रहेगा। तो अभी हमारे पास ये दोनों मोटरसाइकिल्स अवेलेबल थी, तो मैंने सोचा एक डिटेल्ड कंपैरिजन कर लेते हैं इनका। एंड इन दोनों मोटरसाइकिल्स में एक छोटा सा डिफरेंस और मैंने नोट किया था। पहले काफ़ी टाइम से क्लासिक 350 में C8 के टायर्स आया करते थे, जो कि ये ओल्डर वर्जन था, बट अब जैसे ही नया वर्जन आया है उसमें वापस से यहाँ पर देखिए MRF के टायर्स आ चुके हैं। तो यहाँ देखिए आगे भी C8 का टायर है एंड पीछे आप देखिए पीछे भी ये C8 का टायर आपको मिलता है, बट अब नए वाले अपडेटेड वर्जन में MRF का टायर आगे है एंड पीछे भी आपको ये MRF का टायर मिलने वाला है, जो कि रॉयल एनफील्ड में काफ़ी टाइम से पहले भी आता था, बट एक ये छोटा सा अपडेट था तो मैंने सोचा इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। बट दोनों मोटरसाइकिल्स तगड़ी लग रही हैं, OG जिन्हें बोलते हैं ना, OG ब्लैक बीस्ट, तो दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको न्यू वर्ज़न ज़्यादा पसंद आया या ओल्ड वर्ज़न। तो ये था हमारा आज का एक शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन क्लासिक 350 डार्क स्टिल्स ब्लैक। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज़।